आज का सुसंस्कार निर्दोष दृष्टि से जगत निर्दोष दिखाई देता है। देखिए किसी व्यक्ति के अंदर हम दोष भी देख सकते हैं, उसको निर्दोष भी देख सकते हैं। दोष देखना तो सामान्य बात, हर व्यक्ति देखता है, और जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह देखता है कि ये जी रहा है अपने कर्मों के अनुरूप जी रहा है। जो कुछ कर रहा है वह कुदरत करवा रही है, वो तो कर्म के अधीन करवा रही है। यानी जब कुदरत ही उसकी मालिक है तो वह उसको दोष नहीं देगा, क्योंकि अपने अपने कर्म उसके ऐसे ही उदय प्रारब्ध के अधीन जी रहा है तो उसको निर्दोष बनेगा। तो जब ये दृष्टि हमारी हर जीवित प्राणी को देखेंगे और धीरे धीरे हम ये मानने चलाएंगे कि इसको भी कुदरत संचालित करती है, इसको भी कुदरत करती है, ये भी अपने कर्मों के अधीन, ये भी कर्मों के अधीन, तो ये हमारी निर्दोष दृष्टि बढ़ते 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 पूरा जगत निर्दोष दिखने लग जाएगा। तो इस निर्दोष के साथ साथ के अंदर हम जो है आत्मा को केंद्र में रखेंगे, कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप को केंद्र में रखेंगे, और उसके साथ साथ में जो हर गतिविधि को कुदरती रचना मानेंगे कि मन वचन काय तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो व्यवस्थित है। तो हम कुदरती रचना मानते चलेंगे, अपने स्वरूप के अंदर रहेंगे, और इधर हर प्राणी को हम निर्दोष मानेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे में धीरे धीरे उसके जो दूसरे घटक है निमित्त अकर्ता निर्दोष और शुद्ध आत्मा स्वरूप डेवलप होते रहेंगे। यानी हमारा शुद्ध ज्ञान दर्शन डेवलप होता रहेगा, और जो इस जन्म में जितना जितना हमारा शुद्ध ज्ञान दर्शन डेवलप होगा वो आगे जाएगा, अगले भविष्य का निर्धारण करेगा।